अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपका कुक विद नफीसा के चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी सी हरी मिर्ची के अचार। और ये अचार की रेसिपी ऐसी है कि आप किसी भी मौसम में इसको बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत घर के मसालों से आप इसको इजीली बना के घर में रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और सूखे कपड़े से इसको पोंछ के अच्छे से सुखा लिया है। अब इसको मैं कट करूँगी। अब यहाँ मैं मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, मगर छोटे टुकड़ों में अगर हम कट करते हैं तो हमारा अचार जो है वो वेस्ट नहीं होता है और हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मिर्ची मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब चलिए अचार का मसाला बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो सारे मसाले होते हैं उनको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट इन द सेंस कि उनको बस थोड़ा सा गर्म करना है। तो सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून मैं ब्लैक मस्टर्ड ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून मेथी ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज करूंगी। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से इस पे गरम कर लूंगी। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए तब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। सारे मसालों को मैंने मिक्सर के जार में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे इसका मैं एक दरदरा सा पाउडर बना लूंगी। अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि मसाला जो है हमारा दरदरा पीस कर तैयार हो गया है। और मैं आपको बताना भूल गई थी, मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ भी ऐड किया था। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जिस पैन में मैंने मसाले रोस्ट किए थे उसी पैन में मैं क्या करूंगी कि 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल गरम करूंगी। इसे धुआं निकलने तक इसे मुझे गरम करना है। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने रोस्ट मसाला बनाया था उसको ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून टर्मरिक ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करूंगी और थोड़ा सा ये अजवाइन मंगरेल है वो ऐड करूंगी। यहाँ हरी मिर्ची का अचार थोड़ा सा तीखा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 2 नींबू का रस ऐड करूंगी और सरसों का तेल जो मैंने गरम करके थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला लिया था फिर उस यहाँ पे उसको भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो आप अपनी चॉइस का ऑयल ऐड कर सकते हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल में अचार की टेस्ट डबल हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हरी मिर्ची का अचार ऐसा होता है कि इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सारे मसाले मिक्स हो जाने के बाद अच्छे से अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी। तो सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। अब यहाँ पे हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि एक कांच के बर्तन में इसको पैक करके और अच्छे से इसको रख देंगे। थोड़ा आप अगर 2-3 दिन इसको धूप में रख देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो आप इसको अगर सनलाइट नहीं है आपके पास तो आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। ट्राई करें, एंजॉय करें। मेरे चैनल कुक विद नफीसा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।